दोस्तों आपके वीडियो पर ना व्यू जा रहा है और ना आपके चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ रहा है और ना ही आपका यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है। आप अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करते हो, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बताए गए ट्रिक को फॉलो करते हो और अपने वीडियो पर अच्छे से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, पूरा एसईओ वगैरह प्रॉपर तरीके से करते हो, फिर भी आपके वीडियो पर व्यूज नहीं इंक्रीज हो रहा है। आप अच्छे तरीके से वीडियो को अपलोड करते हो, अपलोड करने का जो सही तरीका है उसको भी आप लोग फॉलो करते हो और हर एक चीज को फॉलो करके अपने चैनल पर काम करते हो, अपने चैनल पर को अपलोड करते हो, बट आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। तो आज किस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना, बिकॉज आज किस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं आपको साइड में एक स्क्रीनशॉट लगा देता हूं या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यहां पर आप लोग देख सकते हैं मेरा एक वीडियो जो कि नंबर 1 पर रैंक कर रहा है। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे टेक वीडियो कैसे बनाएं तो वहां पर सबसे पहले मेरा वीडियो सर्च में आएगा। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाए, तो आज किस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, एक भी पार्ट वीडियो का स्किप मत करना। आज किस वीडियो को हर एक पार्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज दोस्तों जब बड़े क्रिएटर आपको बताते हैं कि आप अपनी वीडियो पर इस प्रकार से एसईओ करिए, इस प्रकार से टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लगाइए, तो आपकी वीडियो वायरल होगी। लेकिन जब आप अपनी वीडियो पर उसी प्रकार टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन और पूरा एसईओ करते हैं फिर भी आपकी वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, बिकॉज आपको यही नहीं पता कि हम जो अपनी वीडियो पर टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन लगा रहे हैं ये सही लगा रहे हैं या फिर गलत लगा रहे हैं। आप बड़े क्रिएटर के बताए गए ट्रिक तरीके को फॉलो करके अपनी वीडियो पर लगा दिया, आप सोचने लगते हैं हमारी वीडियो तो वायरल हो जाएगी। बट जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कि मैंने जो अपने वीडियो पर टाइटल लगाया वो मेरी वीडियो को रैंक करा सकता है या फिर नहीं करा पाएगा, जो मैंने अपने वीडियो पर टैग लगाया वो मेरी वीडियो को रैंक कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे, जो मैंने पूरा एसईओ किया वो मेरी वीडियो के लिए परफेक्ट है या फिर नहीं, जब तक आपको इसके बारे में नहीं पता चलेगा आप दूसरे क्रिएटर के, दूसरे यूट्यूबर के बताए गए ट्रिक के माध्यम से या फिर किसी भी तरीके से आप अपने वीडियो पर एसईओ करते हैं तो आपकी वीडियो वायरल नहीं होने वाली। तो आज किस वीडियो में आपको एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसका नाम है ट्यूबबडी। और इस एप्लीकेशन का यूज अप्रोक्स सभी यूट्यूबर्स यूज करते हैं, चाहे जितना बड़े से बड़ा क्रिएटर हो हर एक यूट्यूबर इस एप्लीकेशन का यूज करता है। इस एप्लीकेशन से कौन कौन से बेनिफिट होने वाले वो मैं आपको आज किस वीडियो में बताऊंगा और मैं भी उसी एप्लीकेशन का यूज करता हूं। ट्यूबबडी एप्लीकेशन से आपको पता चलेगा कि मैं अपनी वीडियो पर कौन सा टाइटल लगाऊं, ये टाइटल मेरी वीडियो पर रैंक करेगा या फिर नहीं करेगा, टैग मेरे रैंक करेंगे या फिर नहीं करेंगे, मेरी जो वीडियो में जो वीडियो अपलोड करने वाला हूं वो वीडियो मेरी आगे चल के यूट्यूब पर वायरल होगी या फिर नहीं वायरल होगी, सारा कुछ ये ट्यूबबडी एप्लीकेशन आपको बताता है और ये यूट्यूब की तरफ से सर्टिफाइड है। तो आज के इस वीडियो में ट्यूबबडी एप्लीकेशन के बारे में डिटेल्स में डिटेल्स बताऊंगा, कैसे इस पे आपको लॉगिन करना है, कौन कौन से फीचर्स और कैसे अपने चैनल को ऐड करके इस एप्लीकेशन को यूज करना है ताकि आपका चैनल भी ग्रो हो जाए। आप लोग यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए तमाम ट्रिक ढूंढते हैं, बड़े क्रिएटर की ट्रिक को फॉलो करते हैं, लेकिन यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं होती, बस आप सही तरीके से यूट्यूब पर आपको काम करना आना चाहिए। सही तरीके से काम करने के लिए आपके लिए ट्यूबबडी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूजफुल है, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको जीरो से एकदम बताऊंगा कैसे ट्यूबबडी एप्लीकेशन पे आपको अपनी आईडी लॉगिन करना है, कैसे क्या करना है। दोस्तों साइड में मैंने मोबाइल स्क्रीन ऑन कर लिया। आपको ट्यूबबडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए सिंपली प्ले स्टोर पर जाना और प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पर सिंपली आपको सर्च कर लेना ट्यूबबडी, ठीक है। ट्यूबबडी एप्लीकेशन सिंपली सर्च कर लेना है, ये एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं, इसको सिंपली आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अब सिंपली आपको ओपन वाले बटन पर क्लिक करना है और सिंपली ओपन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर पहली बार काम कर रहे हैं तो फिर भी आपको इस एप्लीकेशन का यूज करना चाहिए और एकदम जीरो से मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको इस पे लॉगिन करना है। तो जैसे आप ओपन पर क्लिक करोगे कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको कुछ चीजें दिखाई देंगी पढ़ने के लिए, तो आप इनको पढ़ भी सकते हैं और यहां पर स्क्रीनशॉट दिखाई गई है जिससे आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से फीचर्स होने वाले। तो आपको यहां पर साइड में स्क्रॉल करना है और यहां पर आ जाना और जब पांचवें नंबर पर आप स्क्रॉल कर दोगे तो यहां पर आपके सामने गो का आइकन मिल जाएगा, इस पर सिंपली आपको कर देना क्लिक, ठीक है। यहां पर मैं गो वाले आइकन पर जैसे क्लिक करता हूं अब यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ चुका है सिंग इन विद गूगल से। अब आपको अपनी जो ईमेल है, आपके चैनल की जो ईमेल है, जिस भी चैनल पर आपको अपनी वीडियोस को अपलोड करना, अपनी वीडियो को वायरल कराना है, आपको सिंपली उस चैनल की जीमेल से इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाना है। और ये कोई भी रिस्की एप्लीकेशन नहीं है, ये एप्लीकेशन यूट्यूब की तरफ से सर्टिफाइड है। यहां पर आप लोग नीचे देख भी सकते हैं लिखा भी है यूट्यूब की तरफ से सर्टिफाइड है। तो आप आराम से इस एप्लीकेशन के अंदर आप अपने चैनल को लॉगिन कर सकते हैं। सिंपली सिंग इन विद गूगल पर क्लिक करके आपको अपनी वो जीमेल सिलेक्ट करना है जिस जीमेल से आपका यूट्यूब चैनल बना है। इस पर मैं क्लिक करता हूं और अपनी उसी जीमेल को सिलेक्ट कर लेता हूं जिस जीमेल से मेरा ये यूट्यूब चैनल बना है, ठीक है। यहां से मैंने उस जीमेल को सिलेक्ट किया। अब क्या होगा, अब आपका जो चैनल होगा वो इस एप्लीकेशन पर लॉगिन होगा, मींस ऐड होगा। अभी मैं आपको जस्ट दिखाता हूं,
ये देखिए यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऑप्शन आ चुका है, आपके चैनल का नेम आ जाएगा, ऊपर वीडियोज आ जाएंगे, व्यूज आ जाएगा, सब्सक्राइबर्स आ जाएगा, और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऐड चैनल का, ठीक है। ऐड चैनल पर क्लिक करके आप और चैनल ऐड कर सकते हो। अभी देखिए आपने फर्स्ट चैनल ऐड किया, अगर आपका और भी चैनल तो ऐड चैनल पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो, बट मेरे को सिर्फ यही वाला ऐड करना, तो यहाँ पर एक राइट साइड में एरो मिलेगा, इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा जो ऐड चैनल होगा वो ट्यूब बडी एप्लीकेशन पर लॉग इन हो चुका है। और अब यहाँ पर देखिए मेरा पूरा जो ट्यूब बडी एप्लीकेशन वो ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी वीडियोस वाले सेक्शन पे हम आए, तो वीडियो वाले सेक्शन पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारी वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपने वीडियो का सारा कुछ चेक कर सकते हैं, जैसे मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, और इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए बहुत सारी चीजें जानने को मिल सकती है जो कि आपको नहीं पता होता, और स्टार्टिंग में आप लोग वही गलती करते हो, आपको लगता है मैं बहुत अच्छा थंबनेल बना रहा हूं, बहुत अच्छे टाइटल लिख रहा हूं, लेकिन जो रियलिटी होती है वो ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टार्टिंग में आपको कोई बताने वाला नहीं होता, तो इन एप्लीकेशन का यूज करिए, ये एप्लीकेशन आपको सारा कुछ बताएगा। यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अपलोड हाई रेशियो थंबनेल, यानी आपको जो थंबनेल है वो बढ़िया हाई क्वालिटी में है या फिर नहीं, ठीक है, ये आपको ट्यूब बडी एप्लीकेशन बताता है। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में राइट का टिक लगा है, यानी थंबनेल हमारा बेटर है, मस्त है। दूसरा है ऐड टैग्स टू योर टाइटल, आपका जो टाइटल है उसमें टैग ऐड है या फिर नहीं, मतलब जो आपका टाइटल है वो प्रॉपर तरीके से है या नहीं, ये आपके वीडियो का ये ट्यूब बडी एप्लीकेशन बता देता है। थर्ड ऐड टैग टू योर डिस्क्रिप्शन, आपके डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड है वैसे ही टैग में ऐड है या फिर टैग में जो कीवर्ड है वैसे डिस्क्रिप्शन में ऐड है या फिर नहीं, ठीक है, वो भी ये बताता है, तो इसमें भी राइट का टिक लगा है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टाइटल लेंथ का, आपका जो टाइटल है आपके वीडियो का जो टाइटल है उसका लेंथ कैसा है, ठीक ठाक है, बेकार है, गड़बड़ है, ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके वीडियो को वायरल करने के लिए। तो टाइटल जो लेंथ है वो थोड़ा सा गड़बड़, ठीक है, यहाँ पर देखिए येलो कलर में बना है। तो यहाँ पर आपको इतने सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और टोटली रिजल्ट यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है, ये देखिए टोटली रिजल्ट 7% सही है और 3% थोड़ा सा गड़बड़ है। तो ये आप अपने वीडियो का देख सकते हैं कि मैंने अपनी वीडियो पर कैसा थंबनेल लगाया, सारा कुछ आप जान सकते हैं, जिससे अगर आपका यहाँ पर सारा कुछ गड़बड़ है, थंबनेल नहीं सही है, टाइटल भी नहीं सही, तो आप उसको दोबारा से चेंज करके अच्छा टाइटल अच्छा थंबनेल लगा सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो रैंक कर सकती है। इसके बाद यहाँ पर नीचे दूसरा ऑप्शन मिलता है टैग का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो के टैग देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर आपका कोई सर्चबल टॉपिक होगा जिसपे आपने सर्च वाले कीवर्ड लगाए होंगे, तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन बता देगा कि आपका ये टैग कितने नंबर पर रैंक कर रहा है, कौन से नंबर पर रैंक कर रहा है। तो जिससे आपको जब ये पता चल जाएगा कि मेरे ये टैग रैंक कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो आप वही टैग लगाओगे जो आपकी वीडियो पर रैंक करेंगे। तो आपको यहाँ पर ये टैग देखने को भी मिल जाते हैं, ऐड टैग पर क्लिक करके यहाँ पर टैग भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाता है कि आप अपनी वीडियो पर जो टैग लगाए वो आपकी वीडियो को रैंक कराएंगे या फिर नहीं कराएंगे, यानी यूट्यूब पर ये टैग पहले से रैंक कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये यहाँ से जानकारी मिल जाती है। नीचे प्रोमो मटेरियल्स पर क्लिक करते हैं तो आप इस वीडियो का देखिए ऊपर ऑप्शन आ रहा है कॉपी वीडियो लिंक, इस वीडियो का लिंक कॉपी कर सकते हैं, कॉपी वीडियो टाइटल, टाइटल कॉपी कर सकते हैं, टैग कॉपी कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन कॉपी कर सकते हैं, थंबनेल यूआरएल कॉपी कर सकते हैं, इतने सारे फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में वीडियो इलास्टिक पर क्लिक करके आपको ये सारा कुछ देखने को मिल जाता है, कितना व्यूज आया है, कितने आपके कमेंट्स आए हैं, कितनी लाइक आई हैं, कितनी डिसलाइक आई हैं, सारा कुछ ये आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया बेसिक चीजें, और इसी का फायदा उठा के आप अपनी वीडियो को रैंक करा सकते हो, आप अपनी वीडियो पर प्रॉपर टैग थंबनेल टाइटल लगा के अपनी वीडियो को सिंपल तरीके से रैंक कर सकते हो। तो ये हो गया सबसे पहला वीडियोस वाला सेक्शन, यहाँ पर सेकंड मिलता है कमेंट्स का, जहाँ पर आप कमेंट्स वगैरह देख सकते हो। और यहाँ पर एक चीज और इंपॉर्टेंट आती है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर नीचे मेन्यू का आइकन मिलता है, इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरा चैनल भी आ चुका है, इस एरो पर क्लिक करके आप और भी चैनल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा देखिए वही वाला इंटरफेस आ चुका है, तो यहाँ से भी आप लोग अपना चैनल ऐड कर सकते हैं, बट मुझे नहीं ऐड करना तो मैं इसी पर क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है आपका टैग एक्सप्लोरर का, यहाँ पर आप लोग पता कर सकते हैं कि हम जो टाइटल अपनी वीडियो पर लगाएंगे वो मेरी वीडियो को रैंक करा सकता है या फिर नहीं करा सकता, बिकॉज जब तक आप लोग सही टाइटल नहीं लगाओगे तो आपकी वीडियो रैंक नहीं होगी। तो सही टाइटल आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइटल मेरी वीडियो के लिए सही है या फिर नहीं, तो वो यहाँ से आप पता कर सकते हैं। आपको सिंपली अपना टाइटल यहाँ पर डालना है, जैसे मेरा टाइटल थंबनेल कैसे बनाए, सिंपली मैंने यहाँ लिखा थंबनेल कैसे बनाए और सर्च पर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस टाइटल के बारे में डिटेल्स मेरे को मिल जाएगी कि इसकी सर्च वॉल्यूम कितना है, इसका कंपटीशन कितना है, इसका ओवरऑल कितना है। और न्यू चैनल पर आपको ध्यान देना कि जो ये सर्च वॉल्यूम है ये यहाँ पर लो नहीं होना चाहिए, ये हाई होना चाहिए या फिर गुड होना चाहिए या फिर वेरी गुड, और ये जो कंपटीशन वेरी है ये आपका डाउन होना चाहिए, लो होना चाहिए, और ओवरऑल आपका गुड या फिर वेरी गुड होना चाहिए। न्यू चैनल पर वही टाइटल चलेगा, तो यहाँ पर ये टाइटल मेरी वीडियो पर नहीं चलने वाला, तो यहाँ से मेरे को पता चल चुका है कि अगर मैं इस टाइटल को रखूंगा तो मेरी वीडियो रैंक नहीं करेगी। तो यहाँ पर नीचे आपको कई सारे टाइटल सजेस्ट भी कर दिए जाते हैं, इन टाइटल को भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करके हाउ टू
टू मेक थंबनेल फॉर यूट्यूब वीडियोस के जो आगे थ्री डॉट है उस पर क्लिक करके स्पॉट दिस टैग पर क्लिक करूंगा तो इसका भी डिटेल्स मेरे को देखने को मिल जाएगा। तो ये भी नहीं सही है। फिर नीचे वाले पर क्लिक करके स्पॉट दिस टैग पर क्लिक करूंगा तो यहाँ से इस टाइटल की डिटेल्स मिल जाएगी। तो इसका कुछ ठीक ठाक है तो आप इस टाइटल को यूज कर सकते। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते कि जो टाइटल मैं अपनी वीडियो पर लगाने वाला हूँ वो मेरी वीडियो पर मेरे चैनल पर रैंक करेगा या फिर नहीं करेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आके आप चेक भी कर सकते तो ये कितना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है एप्लीकेशन। अब बैक आते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है आपको टॉपिक प्लानर का। इस पर क्लिक करके आप अपना जो भी टॉपिक आप अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं तो उस टॉपिक को यहाँ पर आप नोट करके रख सकते हैं कि आप आगे चल के भूले ना, तो आप यहाँ पर नोट वगैरह कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं करता वगैरह नहीं हूँ। तो ये फीचर्स थे इस ट्यूबबडी एप्लीकेशन के अंदर जो कि हर एक यूट्यूबर, बड़े से बड़े यूट्यूबर इस एप्लीकेशन को यूज करता है और इसके जो फीचर्स हैं इनको यूज करके अपने चैनल को ग्रो करता है। देखो एक सिंपल सी बात है, यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए कोई भी ट्रिक वगैरह नहीं होती कि आप ट्रिक लगा के व्यूज बढ़ा लो, सब्सक्राइबर बढ़ा लो। बस आपको काम करने का सही तरीका आना चाहिए, आप अपनी वीडियो पर जो टाइटल लगा रहे हो वो सही होना चाहिए और जब ये सारी चीजें सही होंगी तो सिंपल सी बात है आपकी वीडियो वायरल होगी, आपका चैनल भी ग्रो होगा। तो ट्यूबबडी एप्लीकेशन का यूज करके आप बहुत सारा बेनिफिट उठा सकते हैं अपनी वीडियो पर व्यूज और उसके साथ साथ चैनल को भी ग्रो कर सकते हैं। और यहाँ पर साइड में जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ कि मेरा जो सबसे फर्स्ट नंबर पर वीडियो रैंक कर रहा है सर्च में, मैं इन सारी वीडियो का अपना एसईओ वगैरह जो टाइटल वगैरह चेक करना होता है मैं इसी एप्लीकेशन से चेक करता हूँ। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये एप्लीकेशन आप लोगों के लिए कितना ज्यादा यूजफुल है, कैसे यूज करना है, क्या बेनिफिट है, सारा कुछ मैंने आपको आज के इस वीडियो में बता दिया। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझ में आ गया होगा। यदि दोस्तों समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।